हेलो दोस्तों, मेरा नाम है डॉक्टर नितिन मस्के। आई एम डर्मेटोलॉजिस्ट, कॉस्मेटोलॉजिस्ट एंड हेयर ट्रांसप्लांट सर्जन एट अर्बन स्किन एंड हेयर क्लिनिक पुणे। हमें कई बार पूछा जाता है कि मेरी स्किन अच्छी है, कुछ पिंपल्स है लेकिन ज़्यादा काले दाग है, लेकिन मुझे कुछ केमिकल ट्रीटमेंट नहीं करवाना है, मुझे कुछ होम रेमेडी सजेस्ट कीजिए जिसके साथ हम हमारी स्किन को अच्छे से मेंटेन रख पाते हैं, या फिर ग्लोइंग स्किन के लिए कुछ होम रेमेडीज हमें बताइए। तो दोस्तों, आज कुछ हम होम रेमेडीज आपको सजेस्ट करेंगे जिसके साथ आप आपकी स्किन को अच्छे से मेंटेन कर पाओगे और ग्लोइंग स्किन के लिए ये होम रेमेडीज आपको अच्छे से रिजल्ट दे सकते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि होम रेमेडीज फॉर द डेली रूटीन जो हम अच्छे से फॉलो करना चाहिए। सबसे पहले है कि रॉ मिल्क आपको लेना है और एक टेबल स्पून आपको उसमें हनी ऐड करना है। ये जब हम प्रिपरेशन बनाते हैं उसको हमें 15 मिनट हमारे चेहरे के ऊपर रखना है, हमारे फेस के ऊपर रखना है और आफ्टर दैट उसको ल्यूपवार्म वाटर के साथ हमें वॉश करना है। जैसे कि आपको पता है कि रॉ मिल्क में टायरोसिन नाम का कंटेंट रहता है। टायरोसिन क्या करता है? टायरोसिन मेलानिन पिगमेंट को कम करता है। बिकॉज ऑफ दैट कि चेहरे के ऊपर जो भी पिगमेंटेशन आ रहा है, काले दाग है, वो कम हो सकते हैं। बिकॉज मेलानिन पिगमेंट ज़्यादा काले दाग बनाने में उसका ज़्यादा रोल रहेगा और उसको हम कम करेंगे तो काले दाग इम्प्रूव हो सकते हैं। और हनी में एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टीज पाई गई है, तो जो भी पेशेंट्स में एक्ने है, पिंपल्स है, उसको ये हम पैक अगर अच्छे से हम यूज़ करते हैं तो उनमें पिंपल्स कम होंगे और पिंपल के कारण जो भी काले दाग है वो ऑटोमेटिकली वो रिजॉल्व हो जाएंगे। तो ये पैक के साथ आप डेली एक्टिविटी के साथ ये पैक आप यूज़ कर सकते हो। ये कोई भी अच्छे से यूज़ कर सकता है, ड्राई स्किन है या फिर ऑयली स्किन है, ये दोनों पेशेंट में ये अच्छे से यूज़ हो सकता है। दूसरी होम रेमेडी है वो ऑयली एंड एक्ने प्रोन स्किन पेशेंट्स के लिए है। फॉर ऑयली एंड एक्ने प्रोन स्किन आपको बेसन की एक थिक पेस्ट बनाना है, उसमें लेमन जूस ऐड करना है, उसमें कर्ड ऐड करना है और उसमें टर्मरिक ऐड करना है। ये जो पेस्ट हम बनाते हैं उसे सेम हमें चेहरे के ऊपर अप्लाई करना है, 15 से 20 मिनट उसके हमें रखना है, उसके बाद ल्यूकवार्म वाटर से हमें वॉश करना है। जो बेसन है वो तो नेचुरल एक्सफोलिएंट है, बिकॉज ऑफ एक्सफोलिएशन हमारी डेड स्किन है वो रिमूव हो सकती है। टर्मरिक पाउडर एक एंटीऑक्सीडेंट का काम करेगा जो कि चेहरे के ऊपर हार्मफुल यू रेज आते हैं उसको हम मैनेज कर सकते हैं विद हेल्प ऑफ एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी ऑफ टर्मरिक। अब लेमन जूस में सिट्रिक एसिड पाया जाता है, हमें पता है कि सिट्रिक एसिड जो एल एस्कॉर्बिक एसिड रहता है सिट्रिक एसिड में, वो नेचुरली जो पिगमेंटेशन है वो हमारे चेहरे के ऊपर कम करता है। तो एक लाइटनिंग एंड ब्राइटनिंग एजेंट एज अ सिट्रिक एसिड हम यूज कर सकते हैं। उसके साथ कर्ड कंटेंस लैक्टिक एसिड, तो लैक्टिक एसिड भी कई बार हम केमिकल पीलिंग में भी लैक्टिक एसिड यूज़ करते हैं जिसके कारण हमारे चेहरे के ऊपर जो पिगमेंटेशन है वो कम होता है। अगला होम रेमेडीज है जिसकी स्किन ड्राई है और इरिटेटेड है, इन पेशेंट में हमें बनाना लेना है और एक टी स्पून हनी लेना है। इनका एक पेस्ट बनाना है और पेस्ट बना के हमें हमारे फेस के ऊपर अप्लाई करना है। अगर आपकी स्किन बहुत ही ज़्यादा इरिटेटेड और ड्राई है तो आपको ये पेस्ट के साथ एक दूध के ऊपर जो मलाई आती है उसका भी एक टी स्पून ऐड कर सकते हैं, जिसके अप्लाई करने के बाद हमें 15 से 20 मिनट वेट करना है, फिर उसे हम लुकवार्म वाटर से वॉश कर सकते हैं। तो ये ड्राई एंड इरिटेटेड स्किन के लिए ये बहुत ही बेनिफिशियल रहेगा और आपकी स्किन अच्छे से मेंटेन रह पाएगी। चौथी होम रेमेडीज़ है एक्ने के लिए, और एक्ने स्पॉट्स हैं, एक्ने डार्क स्पॉट्स हैं या फिर एक्ने स्कार्स हैं, इनमें हमें पोटैटो जूस लेना है और एक टेबल स्पून हनी लेना है। ये पेस्ट करके हमारे फेस के ऊपर अप्लाई करना है। 45 to 50 मिनट्स तक हम ये चेहरे के ऊपर आराम से लगा सकते हैं और उसको फिर ल्यूकवार्म वाटर से वॉश करना है। ये पेस्ट हमारे एक्ने और जो स्कार्स है, पिगमेंटेशन है, उसको कम करने में अच्छे से फ़ायदेमंद रहेगा। हमें चेहरे के ऊपर एक्सफोलिएशन एज अ एक्सफोलिएशन हम कई बार स्क्रबिंग वगैरह करते हैं, लेकिन एक आखिरी होम रेमेडीज है, अगर हम अच्छे से इसको फॉलो कर सकते हैं तो 15 दिन में एक बार हमें ये होम रेमेडी फॉलो करना है और हम हमारे चेहरे को एक्सफोलिएट कर पाते हैं इस होम रेमेडीज के साथ। तो नेक्स्ट होम रेमेडीज़ है फॉर एक्सफोलिएशन, तो आपको लेना है 1 tablespoon ऑफ हनी, 1 tablespoon ऑफ कॉफ़ी पाउडर एंड 1 tablespoon ऑफ द शुगर। इसको अच्छे से मिक्स कीजिए और ये हमारे फेस के ऊपर लगाना है। जस्ट 5 to 10 मिनट्स हमें ये लगाना है, उसके बाद ल्यूकवार्म वाटर से हमें वॉश करना है। तो ये आपको एक अच्छा सा एक्सफोलिएटिंग इफेक्ट देगा और ये आप अच्छे से रूटीनली फॉलो भी कर सकते हैं। तो कम से कम 15 दिन में हमें चेहरे के ऊपर एक्सफोलिएशन यूज़ करना चाहिए, और केमिकल एक्सफोलिएशन यूज़ कीजिए या फिर होम रेमेडीज़ के साथ मैंने जो भी टिप शेयर किया है उसको आप अच्छे से फॉलो करके आपकी जो स्किन के ऊपर जो डेड स्किन है अच्छे से आप रिमूव कर सकते हैं और आपकी स्किन के ऊपर जो आपको ग्लो है वो बाकी होम रेमेडीज के साथ भी आप अच्छे से पा सकते हो। तो ये
होम रेमेडीज आप अच्छे से फॉलो कीजिए और आपकी जो हेल्दी और ग्लोइंग स्किन है वो अच्छे से मेंटेन कीजिए। आपको इस टॉपिक के रिलेटेड या स्किन रिलेटेड कोई भी डाउट्स हो, क्वेश्चंस हो, तो हमें कमेंट बॉक्स में पूछिए, तो हम ट्राई करेंगे कि आपके जो डाउट्स हैं वो अच्छे से सॉल्व कर सकें और आपको जो बेनिफिट है वो अच्छे से मिल सके। थैंक यू वेरी मच।